अस्सलामुअलैकुम जी, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास 10th क्लास इस्लामियात लाजमी के हम गेस पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मौजूआती मुतालिया, जिसमें हमारे पास सबसे पहले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स हमारे पास चार टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज तहारत और जिस्मानी सफाई, सेकेंड वन इज सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तमाही जिंदगी, आयली जिंदगी की अहमियत और हिजरत और जहाद। आप सबसे पहले देखें, हमारे पास क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो तहारत और जिस्मानी सफाई में इंपॉर्टेंट है। वजू का तरीका बयान कीजिए। सेकंड नंबर पे है तहारत के फायद क्या है, तफसील से लिखिए। थर्ड हमारे पास क्या है, कुरान और सुन्नत में शुक्र की क्या अहमियत है। आयली जिंदगी से क्या मुराद है, मुख्तसर बयान कीजिए। खानदानी निजाम की अहमियत पर एक नोट लिखिए। औलाद के हकूक और फराइज पर तफसीली नोट लिखिए। लास्ट में हमारे पास क्या है, हिजरत करने वाले महाजरीन का कुरान में क्या मर्तबा है। जहाद का मफहूम लिखिए, इसके मुख्तलिफ इकसाम बयान कीजिए, जहाद के फजाइल बयान कीजिए। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इन्हीं में से पेपर आएगा। अहम हदीसें हैं आपके पास। अहम हदीसों के बाद अगर हम बात करते हैं, हदीस के बाद हम बात करते हैं, आयत है हमारे पास सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 1-8, आयत नंबर 21-27, आयत नंबर 28-34 वाली आयत हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जितनी भी आयत हैं आपने लाजमी अपने बोर्ड्स में करके जानी है। इंशाल्लाह ताला पेपर भी है, इसी में से तीन आयात आ सकती हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्तसर सवालात की, जिसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सूरह अहज़ाब के आयत 1-8 तक, आयत 9-20 तक, आयत 21-27 तक, आयत 28-34 तक, आयत 35-40 तक, इसके बाद आयत नंबर 41-52 तक, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आयात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस में से 100% पेपर आएगा। इसके बाद हदीस की बात करें, हदीस के जो सवाल जो अब इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। हदीस नंबर 11 से इंपॉर्टेंट है, हदीस नंबर 12 से इंपॉर्टेंट है, हदीस नंबर 13, 14, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इसके बाद टॉपिक्स में से जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी, आगे ये देखें, तहारत और जिस्मानी सफाई में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी इज्तमाही जिंदगी, इसके बाद आयली जिंदगी की अहमियत, इसके बाद हमारे पास हिजरत जहाज, हिजरत और जहाद और हुकुल इबाद, यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की, इसके बाद हम बात करते हैं जमात दहम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आयात में से जो जो आ सकती हैं। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं 1-8 तक के, आप देख सकते हैं एमसीक्यूज़। इसके बाद 9-20 तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद 21-27 तक की आयात के हैं, 28-34 तक हैं। इसके बाद 41-56 तक के आयात के एमसीक्यूज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, 57-58 तक हैं, 59-68 तक के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 69-73 तक के एमसीक्यूज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हदीस के एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, हदीस नंबर 11, 12, 13, 14, इसी तरह 15, इस तरह 16, ये आपने वीडियो को स्टॉप करके आराम से देख के पढ़ के जाना है। पेपर भी इंशाल्लाह ताला इसी एमसीक्यूज़ में से आएगा। इसी तरह मौजूआती मुताले के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सब्र व शुक्र है हमारे पास, सब्र व शुक्र के बाद आयली जिंदगी की अहमियत है हमारे पास। इसके बाद है हिजरत और जहाद है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट वाला आ जाए, आ गया हकूकली बात के एमसीक्यूज़ हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन है। इसके बाद तहारत और जिस्मानी सफाई के इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंप्लीट होता है इस्लामियात क्लास 10th गेस पेपर 2020। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।